और एस्केलेटर भी खड़ा हुआ है, पीछे बोर्ड लगा था, काम हो रहा है। सिंगल ट्रैक है, सिंगल ट्रैक मट्टी और मट्टी है साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। ये जी अली भी आ गए फ्रेम में। सुबह हो गई जी हमारी गिलगित बसीन में। रात को हम लोगों को ये होटल मिला था, अंधेरा हो गया था इसलिए मैंने होटल को उस वक्त कवर नहीं किया। ये जी होटल रिवरीन होटल के नाम से, और ये हम लोग बस मैंने चाय का ऑर्डर दिया, एक कप चाय पीते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो फोक्स, सफ़र का हमने आगाज कर दिया है अगर नाम लेके। और ये अब हम हैं होटल से निकल के गिलगित शिंदूर रोड पे, है ना अली? गिलगित शिंदूर रोड है, तो फोक्स जैसे मैंने बताया कि जी ये है गिलगित शिंदूर रोड। तो हमारा सफ़र है जी आज फंडर के लिए। आज हम जाएंगे फंडर और फंडर वैली पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या सीन्स मिलते हैं। सुना है और देखा है कि बहुत खूबसूरत वैली है और गिजर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत तरीन वैली में शुमार होती है। ये है जी आज की दास्तान और रुदाद। यहाँ से जाना किधर है? सीधा ही जाना होगा। फंडर का प्लान इसलिए था जी कि गूगल बाजी हमें बता रही थी कि रास्ता तकरीबन 5.25 घंटे का है या 5 घंटे 10 मिनट का है, लेकिन गूगल बाजी की नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ ज़्यादा चलती नहीं है, इसलिए कभी भी गूगल के ऊपर रह के अपना ट्रैवल यहाँ पे प्लान मत कीजिएगा। कच्चा पैच पता नहीं कितनी देर तक हमारे साथ रहता है। ये जी फुल रोड बनेगी चित्राल तक, गिलगित से चित्राल तक। बीच में हमें इस तरह के पैचेस मिलेंगे जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, होपफुली सारा रास्ता क्लियर मिले, ये पैचेस हमें मिलेंगे। ये तो चले पैच इतना ही था पूरा हो गया, लेकिन ये रोड में अगर नहीं बनी थी काम कर रहे हैं। ये प्लांट लगा हुआ। ये जी पक्की रोड यहाँ पे खत्म हो रही है, मशीनरी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। अब देखते हैं आगे कच्चा पैच शुरू हो रहा है कितना कोई हमारा साथ देता। पता नहीं, मैंने आपको बताया नहीं बताया कि फंडर यहाँ से 5.5-6 घंटे की ड्राइव है। हम लोग रुकते रुकाते जाएंगे तो शायद हमें थोड़ा सा टाइम, घंटा एक ज़्यादा लग जाएगा। धूप काफ़ी तेज़ है अभी, सराउंडिंग टेम्परेचर खैर गाड़ी 22 का शो कर रही है अभी, गाड़ी भी क्या कहते हैं फुली हीटेड नहीं है। देखते हैं कि आगे जो है वो टेम्परेचर भी कितना रहता है। खैर फंडर जो है वो ठंडा इलाका, हाइट उसकी ज़्यादा, एलिवेशन कितनी है आगे जाके मैं बता भी दूंगा और मैं डाल भी दूंगा सबटाइटल और समथिंग। वाह वाह वाह, साइड से गाड़ी धुल गई, साइड से क्या पूरी धुल गई। ये देखें जी ये रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है और इसको ये डबल कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, पहाड़ दे सारे स्लाइडिंग वाले। ये आप शायद बॉल्स लगा दें, हैं यार, ये
ये जी हमारे साथ चल रहा है, मेरा ख्याल है दरिया गिलगित ही है। गूगल बाजू में लिख दी है दरिया गिलगित। यहाँ से जी हमें अपने आने वाले सफर की झलकियाँ नजर आनी शुरू हो गई थी, मेरा मतलब है कि रोड। तो हमारे साथ इस सफर में रहे और देखें कि हमारे साथ आगे क्या हुआ। ये जी फिर एक नया रोड का पैच है, पीछे पुराने वाला एस्फॉल्ट रोड था, थोड़ा नैरो, लेकिन ये चौड़ा रोड है, नया रोड है, मजे का रोड है। पहाड़ किस नस्ल के हैं? तो बजरी के पहाड़ लग रहे हैं सारे के सारे, रे तो बजरी के। लेफ्ट के ऊपर ओए होए होए, बेहतरीन बेहतरीन, क्या कहते हैं अली इसको देख के, खूबसूरत। पीछे जी एक लोगों ने बंदे से पता किया था कि अगर डिस्ट्रिक्ट कब शुरू होती है, तो कह रहा था 15-20 मिनट के रास्ते के बाद, जब ये कच्चा पैच खत्म होगा। ये स्लाइडिंग एरिया है, रोड के हालात से आपको अंदाजा हो ही रहा होगा, झूमते जामते जा रहे। और सामने व्यूज चेक करें, काम चल रहा है जी सड़क पे, काम चल रहा है। 2-3 साल की गेम है मेरे ख्याल में, पहुंच गए हैं शिक्योर 5,500 फुट की बुलंदी इसकी एलिवेशन है, और मेरा ख्याल है कि इसके बाद ही विजिट डिस्ट्रिक्ट शुरू होती है। अभी भी बोर्ड लगे हैं, देख लेते हैं। पीछे बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू विजिट का, तो अब हम ऑफिशियली विजिट डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गए। कच्चा पक्का ही है, चले रोड है। काफी सरसब्ज गांव है जिससे हम गुजर रहे हैं फिलहाल। नाम लिखा हुआ था पीछे गलापुर। अली और मैं डिस्कस कर रहे हैं जी इस वक्त, अब पता नहीं कि ऐसा हो पाता है या नहीं, कि फंडर के बजाय भी चलते हैं गुप्स और वापसी हम लोग चित्राल से करें। लेकिन अब ये नहीं पता कि आगे रास्ता कैसा है, चित्राल से वापसी पे है नहीं है, रास्ता तो है। चित्राल से वापसी के लिए हमें शिंदूर के बाद मस्तूज में स्टे करें, और मस्तूज के बाद फिर चित्राल। ये भी बता दे ना, हम सोच पूरे हमारा कंफर्म क्यों 13 घंटे का ऑफ रोड नहीं, फुल ऑफ रोड तो नहीं, लेकिन हाँ काफी ऑफ रोड। काफी रफ पैच है, ऊपर एक्सकेवेटर भी खड़ा हुआ है, पीछे बोर्ड लगा था, काम हो रहा है। सिंगल ट्रैक है, सिंगल ट्रैक। तो रास्ता तो आप लोग देख ही रहे होंगे, इसी रास्ते को देखते हुए अली के और मेरे प्लान कुछ बन रहे थे, कुछ बिगड़ रहे थे,
और ये जो ब्लॉग का टाइटल है गिलगित टू गुपिस, ये भी इसी रास्ते की वजह से हुआ कि हम लोगों ने भंडर जाने का प्लान थोड़ा सा डेफर कर दिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आज के दिन हम भंडर ना पहुंच पाएंगे। और इसी रास्ते की वजह से मैंने सोचा कि यार अब शंदूर तक तो जाने का प्लान है ही, तो शंदूर से गिलगित वापस आने के बजाय आगे ही निकल जाते हैं। तो जुड़े रहें इस सीरीज़ के साथ और आने वाले ब्लॉग्स के साथ, और देखते रहें कि हमारा वादी गज़र या गज़र डिस्ट्रिक्ट का यह सफ़र कैसा रहता है। कंस्ट्रक्शन साइट है, मट्टी और मट्टी है साहब। तो जी अभी एक चेक पोस्ट आई थी, वहां से रुक के हमने फिर से जरा गपशप लगाई पुलिस वाले के साथ, तो फैसला यही हो गया है कि हम लोग अभी जा रहे हैं गुपिस और फिर वहां से निकल के हम लोग जाएंगे भंडर शंदूर, पे वहां से आगे चित्रा, वापस हम नहीं आ रहे हैं। ये भी ऑफ रोड ही है, आगे भी ऑफ रोड ही होगा। चलो वहां पे काम शाम वाला सीन भी नहीं होगा, इलाके भी ज्यादा खूबसूरत है, अच्छी तरीके से कवरेज हो जाएगी, आगे रास्ता थोड़ा बेहतर होगा, ये सिर्फ मेरी सोच ही थी। लेकिन हाँ, कवरेज बेहतर हो जाएगी ये जरूर हुआ। खूबसूरत एरिया जी, खूबसूरत एरिया, सब्जा भी है, साइड में ही है पहाड़ भी है, रोड पे खड्डे भी हैं, ये और सामने से आता हुआ ट्रक भी है मट्टी उड़ाता हुआ। इस तरह के पैच पे ना आप 5-10 की स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। और ये देखेंगे सामने बेहतरीन किस्म की लश्करीन आबादी और वो बहता हुआ दरिया, लोकल की गाड़ी जा रही है, नॉन कस्टम गाड़ियां होती हैं, ये परवाह नहीं करते कि ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। बीच बीच में जी कुछ ऐसी रोड के आसार आते थे, लेकिन ये रोड भी इतनी पायदार या इतनी स्मूथ नहीं होती थी कि जिसके ऊपर आप गाड़ी को भगा सकें। तो जैसे मैंने कहा था कि जी पीछे एक सीन में कि दरिया फुल फ्लो में चल रहा है, तो हमने कहा कि चलें किसी ऐसी जगह पे जहाँ दरिया थोड़ा करीब हो, तो आपको दरिया का फ्लो भी दिखाते हैं, ज़रा चेक करें। ये अभी भी समर फ्लो में दरिया जो है वो फुल आबोताब के साथ बह रहा था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। रुकने का दिल था लेकिन रुके नहीं, तो हमने कहा चलें इंस्टा शॉट्स ले लेते हैं। तो कोई नहीं है अभी तक, पहले गियर में करने गाड़ी, पहाड़ देखें जरा किस नस्ल के पहाड़, रैली कैसे पहाड़ है, नाम था जपुके, ये अब है बोर्ड अभी आया था। और ये व्यूज चेक करें, वैगन वालों से बच के रहना पड़ता है, यहाँ पे पीछे से भी आते हैं स्पीड में जो रास्ता दो, तो सामने से भी अच्छी खासी स्पीड में आ रहे हैं सड़क के ऊपर, इनका डेली का काम है। मैं तो खड़े याद भी नहीं होते कि भाई
ये जी अब इस गांव का नाम है गिच या गेच और इसकी बुलंदी है तकरीबन 5,900 फीट और बाहर का टेम्परेचर इस वक्त जो गाड़ी सराउंडिंग का शो कर रही है वो है 37 डिग्री। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हाइट गेन कर रहे हैं। सिंगल SINGUL सिंगल रेस्कॉम का 4G आ रहा है। सकती है जी जो हमारा प्लान बन गया। क्या बात है, यानी कि क्या ही बात है। जबरदस्त हो गई, जबरदस्त। ये जी हम लोग खड़े हैं ग्रोंजर के पास, वो सामने बोर्ड लगा हुआ पड़ा नहीं था, जा रहा रास्ता यहाँ बंद किया उन्होंने किसी काम के लिए। पता करते क्या सीन है, कितनी देर के लिए बंद है रास्ता। फोक्स हमने पता किया जी ये रास्ता, ये जो ब्रिज है ग्रोंजर यहाँ से निकलता है आगे को, तो अब ये ब्रिज क्रॉस करते हैं उस तरफ चलते हैं। आराम से
टर्न किया था जब मेरे बशु के टर्न किया था नहीं वैसे ही कह रहा वो भी ऐसी गाड़ी आधी रात बहुत हो गया फोर वाला मजाक ये रास्ता है ये निकलेगा किधर ये देखते सलामुअलैकुम सीधा जाना है यहाँ से गांव की गलियां काफी तंग थी और आगे से ब्लाइंड टर्न भी रास्ता देखने के लिए मुझे अली को नीचे उतारना पड़ा अली अली जाना किधर है पूछो उसको बोलो आगे कर ले थोड़ा अली को बिठा लेंगे वापस मेरे पास 4x4 नहीं लगा हुआ आजा आजा पहले आपको सुजुकी वाले को देख करने का तो रुकते बेचारे बड़ी मुश्किल में उसके टायर घूम रहे फिर वो मैंने उसे कब पीछे हो जाए थोड़ा हम यहाँ पर लगे थे कहाँ नहीं मना मुझे वैसे मेरे रोड का रास्ता कहाँ से करता है वाह ये तो वाकई में किसी ने कवर नहीं किया होगा नैरो और सिंगल रोड रास्ता भी है काटे में ना फंसेंगे इधर वही जहाँ पे बीच में सुजुकी पिकअप वाला फंसा हुआ था
ये डायवर्जन लेने का फ़ायदा यह हुआ कि हमने कुछ ऐसे व्यूज़ देख लिए जो कि शायद हम मेन रोड से ना देख सकते। इस गांव के अंदर से दरिया का व्यू, पहाड़ों का व्यू और ये कच्चा रास्ता बहुत ही दिलफरेब और ख़ूबसूरत है। सर तुम लोग जब मेन रोड से देख रहे होते हैं ना ऑपोजिट पहाड़ों में, यार ये रास्ते कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग दूसरी तरह के रास्ते पे खुद चल रहे हैं। सामने ब्रिज नजर आ रहा है, वो मेन रोड पे हम वहां चढ़ जाएंगे। इस रास्ते में ट्रिप के पैसे पूरे कर दिए, अभी तक पूरे नहीं हुए थे। वैसे पूरा रास्ता नहीं था, मजा है। आपको आया होगा। हाँ, ऑफ रोडिंग की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये भी एक ब्रिज है, मतलब इसमें से जाने है, क्या सीन है? मेन रोड का यही रास्ता है अब यहाँ से? मैं अंदर वो गांव में से आया हूँ ना, रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था। मैंने गोपेस अच्छा इस साइड से अच्छा ठीक है ठीक है। आगे से मोड़ लेते हैं। आगे से मोड़ लेते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे बात हो ही नहीं। मुझे लगा इधर भी रास्ता है। इधर कहाँ से? नहीं ये है ना। शरे नहीं, यहाँ से मोड़ लेते हैं गाड़ी को। मैं उतरो? नहीं ना। तो हमने पुल से सीधा ही जाना है। ओए 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 ओए, व्यू चेक करें। क्या कहते हैं ली? गाड़ी मोड़े। क्या कहते हैं? तो जी अब यहाँ से कह रहे थे पुल से अब सीधा ही जाए आगे गाकू जाएगा। आगे एक और पुल आएगा, बड़ा पुल कह रहा है गाकू का। देखेंगे इस रास्ते के बाद तो कमेंट लाइक और शेयर बनता। मैंने भी आप लोगों का ना छोड़ दिया लाइक शेयर कमेंट का, लेकिन नबी मैंने कहा कि कह देते हैं। ये जी हम लोग गाकोच क्रॉस कर रहे हैं, जो बोर्ड आ गया था गाकोच का, अब वो बड़ा पुल किधर है ये देखते हैं। शॉप से पता करके होगा। ये जी गाकोच के बड़े ब्रिज से अब हम लोग सामने जाएंगे और
मेन रोड से। राइट हो जाएंगे आगे, ब्रिज से राइट हो जाएंगे मेन रोड के लिए। ब्रिज खत्म हो गया है, बाजार आ गया है। बाजार अंदर जो था वो गांव था, ये मेन बाजार एरिया। गहमा गहमी लगी हुई इधर। ये नजारे हैं जी, रोड फिर से जो है वो थोड़ा सा खराब चल रहा, साथ साथ हमारे दरिया चल रहा है। पीछे हमें जो आ रही है पिकअप ओवरटेक के लिए, जा भाई गोपे से रह गया जी यहां से तकरीबन एक घंटा एज पर गूगल बाजी। बाकी आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिर रोक गया, फिर अब आएगा मेरे पीछे बिंद बनाता हुआ रास्ता। बड़े पैचेस गुजारे हमने, हिल हिला के रखे हैं। कभी कभार तो ऐसा रास्ता भी अच्छा लगता है, कभी कभार ऐसा रास्ता भी सही लगता है, इतने टफ पैच से अगर गुजर गए हैं तो। ऐसा रास्ता कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा। हाँ ऐसा रास्ता ना, अभी ऐसे ही रास्ते पे हमने जाना है चित्राल के लिए। उड़ के नहीं जा सकते, गाड़ी उड़ाने की कोशिश करें। नहीं वो रनवे टूटी नहीं है, सभी देख रहे गाड़ी नहीं उड़ सकेगी। क्या सीधी फ्लाइट ले लेना। ये क्यों तंग हो के बीच में आया हुआ और नाराज है, शदीद नाराज है। ये देखें ये पहाड़ है, वो काट के रोड पर चौड़ा तो किया हुआ, काम शुरू करें इसके ऊपर जल्दी। सड़क बनाओ, सड़क इधर के लिए सड़क बनाओ। व्यू चेक करें ये खूबसूरत, और आगे से मट्टी उड़ाती हुई बस आ रही है। हमारी भी गाड़ी जा रही है डांस करती हुई, वो भी कह रहा है मट्टी उड़ाती हुई पेट्रोल।
ये जी नेटको की बस सर्विस है जो कि चित्राल से लेके गिलगित तक अभी चलती है। वैली खुली है तो क्या सामने मजेदार नजारे नजर आए। ये बुलडोजर साहब भी खड़े हुए अकेले उदास, काम ही कर लो भाई, रोड ही बना लो, रोड बनाएं जी, नहीं तो टूरिज्म कैसे आएगा इन एरियाज में, तभी तो यहाँ पे टूरिज्म उस लेवल का नहीं है जिस तरह आप करेंगे खुंजा वगैरह की साइड पे। यस कर दू, वादी गिजर गिलगित बल्तिस्तान की हसीन तरीन वादी शुमार होती है। पहले मैंने ये वादी नहीं देखी हुई थी, लेकिन इस वादी को अब देखकर वाकई इस बात का एहसास हो रहा था कि यह वादी गिलगित बल्तिस्तान की हसीन तरीन वादियों में से एक है। GoPro का जो कार्ड भी चेंज करने वाला हो गया, 14 मिनट की रिकॉर्डिंग हो सकती है 14-15 मिनट की। Hopefully उससे पहले हम गिलगित के रहूँ वो पेश पहुँच गया गिलगित पहुँच जाता है। चलो मोड़े गाड़ी को, ये जी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यांगल के एरिया। ये एक बंदे से पता किया था कि कितना रह गया गोपेश, तो वो कह रहा था कि जी रास्ता तो यही है लेकिन आगे कंस्ट्रक्शन के लिए घंटे के लिए रोड ब्लॉक होने लगा। देखते हैं किस्मत में क्या है, रोड ब्लॉक मिलेगी या पहुंच जाएंगे। यहाँ से जी तकरीबन 7 किलोमीटर रह गया गुप्पिस का मोड़ या हसीन वैली का, और जो रास्ता हमें गूगल बाजू बता रही थी 3.5 घंटे का, हमें उसमें हो गए 5 घंटे। 5 घंटे हो गए ना जी, तकरीबन 4.5 घंटे हो गए। ये कहानी है, चेक करें जी फोक्स, व्यूज चेक करें, क्या कहते हैं इसको देख के, खूबसूरत। तो जी इन खूबसूरत नजारों को देखकर मैंने और अली ने फैसला किया कि ड्रोन उड़ाते हैं। अभी तक के सफर ने जी हमें काफी थका दिया था। थका क्यों दिया था, सिर्फ 5.5-6 घंटे में, वो आपने अभी तक रोड की हालत देख के अंदाजा लगा ही लिया होगा। खैर रोड की हालत तो ऐसी ही थी, लेकिन ये जो दिलफरेब और खूबसूरत नज़ारे थे ये हमें अभी भी चलने पे मजबूर कर रहे थे। गुप्पिस का बाजार क्रॉस करके
हम लोग आगे की तरफ गामजन थे और इस तलाश में थे कि हमें कहीं ना कहीं कोई अच्छा होटल रहने के लिए मिल जाए। तो गाइस, ये है जी होटल जिसमें हम लोग फ़िलहाल स्टे कर रहे हैं, और इस होटल का नाम है दरंग बार, पता नहीं क्या था, मैं नाम भूल गया, बड़ा मुश्किल नाम है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ नीचे दिख देंगे, नाम भूल गया मैं। यहाँ पे हमारी प्राडो खड़ी है और वो हमारा रूम है जहाँ पर बाबा खड़े हैं फिलहाल। बाबा, होटल का नाम क्या था? हाँ, दरबार तिरंगपा, ये नाम है, नज़र नहीं आ रहा होगा सही से। डिस्ट्रिक्ट गिजर का यह इलाका गुपिस सतह समंदर से तकरीबन 7,200 फुट की बुलंदी पे है। यह वादी अपने कुदरती हुसन और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। यह वादी दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियों में शुमार की जाती है। इसके चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ और शफाफ नीले पानी वाला दरिया बहता नजर आता है। पूरे दिन के थकाने वाले सफ़र के बाद जी, अब हमें चाय और फ्रेंच फ्राइज खाने का जो मज़ा आ रहा था ना, वाह, अली की हालत देखें ज़रा जी। तो फोक्स, होटल में आ गए हैं। होटल के बारे में आपको अली ने बता दिया, बस वही हमें होटल का बोर्ड नज़र आया, थक चुके थे शदीद किस्म के खड्डों में चलो चल के, तो हमने गाड़ी ना मोड़ी और यहीं पर हमने स्टे का प्लान बना लिया। तो कैसा लगा जी आज का ब्लॉग, गिलगित से ले कर गुपिस तक? फंडर यहाँ से अब रह गए तकरीबन 50-55 किलोमीटर, 3 घंटे लगेंगे। फंडर तक की स्ट्रेच की हिम्मत नहीं थी, तो बस गुपिस में स्टे मारा, ड्रोन शॉट्स लिए, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। और अली, अपने आप को दिखा, पर्दा तुम्हारा नहीं, मेरा कैसा पर्दा, ये ले। कैसा रहा दिन? थकाने वाला, तो एक्सप्लेन करो। बाबा से ज्यादा थक गया गाइस मैं, देखिए गाइस गाड़ी तो और कुछ चला लेता है रोड पर, है ना बाबा? सही कह रहे, मैं हमेशा सही कहता हूँ, क्योंकि ज्यादा थकाने वाला रास्ता था। गाड़ी की भी बस हो गई थी, गाड़ी ने कहा मुझे रेस्ट दे दो। वो वाला रास्ता बाबा आपको कैसा लगा, वो जो पुल से हम लोग गए थे वो रास्ता, ऑडियंस बताएगी उन्हें कैसा लगा। आज मेरे ख्याल है ब्लॉग की जो मेन वो थी ना, क्या कहते हैं उसको, पंच लाइन, मेन कंटेंट ब्लॉग का, वो वाला रास्ता था जो पुल से मुस्तरफ हुए थे। तो गाइज, होपफुली आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं कल सुबह, यहाँ से निकलेंगे गुपिस से फंडर। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।